देख सकते हो, और ये इसका ऊपर वाला है। हेलो गाइस, डब्ल्यू क्यू एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं इस गैस सिलेंडर से भट्टी, जो यानी भट्टी जिसको फैनिस भी बोलते हैं गाइस। हमने काट पीट के तैयार कर ली है और वेल्डिंग वगैरह कर दी है पूरी कंप्लीट। तो आप देख सकते हो ये हमने सिलेंडर को काट के उसके साथ वेल्डिंग कर दी है, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट है। ये होगी गाइस जिसमें हम एल्यूमिनियम वगैरह रखेंगे, वो बीकर है, ठीक है गाइस। और ये हमने इसको उठाने के लिए, क्योंकि गर्म ज़्यादा रहता है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, तो इनको हम हाथ से निकल लेंगे। इससे हम ये जुगाड़ बनाया हमने। अब हम करेंगे क्या, इसमें अब पीओपी और मिट्टी का मिक्स करके उसको इसके अंदर डालेंगे और एक बीच में एक बर्तन डाल लेंगे जिस साइज से हमारा ये जो बर्तन ये है इसको बाद में रखें तो कोई दिक्कत ना आए। और अभी आपको समझा देते हैं किस प्रकार से। ठीक है, ये रही मिट्टी, इसको हमने छान लिया है, ठीक है। और हमने ये लिए हैं पीओपी की पन्नियाँ, हैं तीन पन्नी लेके आए हैं, एक एक किलो की हैं, ठीक है। तो इसका हम मिक्स बनाएंगे, तो हम एक पन्नी काट लेते हैं कैंची की मदद से और इसमें डाल देते हैं। तो गाइस हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, हमने इसमें मिट्टी और पीओपी मिला ली है, उसका मिक्स तैयार है हमारा बिल्कुल रेडी है डालने के लिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो गाइस ये वाला जो हम इसको बीच में रखेंगे, उस ये सिलेंडर है इसमें बीच में रखेंगे, तो इसके क्या हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं साथ ही, इसको हटने में आसानी रहेगी क्योंकि पीओपी में जो रखेंगे तो इस वजह से, ठीक है। तो इसको हम अब इसमें डालेंगे जो हमारा गैस है, तो इसको आप सावधानी से। तो गाइस देखिए हमारी भट्टी तैयार है, बनके बिल्कुल रेडी है, और देख सकते हो इसमें एल्युमिनियम मेल्ट हो रहा है। देख सकते हो, और ये इसका ऊपर वाला है। तो गाइस ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, आप इसी तरीके से घर पर बना सकते हो। इसे एल्युमिनियम वगैरह अपना कॉपर वगैरह सब कुछ आप पिघला कर कुछ भी सांचे में बना सकते हो गाइस। हमारा एल्युमिनियम बिल्कुल मैट हो चुका है, एकदम तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और एल्युमिनियम को चेक करेंगे।